सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के मन में ये सवाल होगा स्कारफॉल से लेके कि स्कारफॉल में अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, ऑफलाइन मोड का क्या सीन है और मेजर अपडेट से पहले कुछ अपडेट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। सो आज स्कारफॉल टॉक पार्ट 3 में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो कि एक्स स्क्वाड ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में हमें बताया है। सो उससे रिलेटेड ही हैं सब। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑफलाइन मोड से भी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करें फिर। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी गो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है, वेलकम टू शुभ एंटास्टिक गेमिंग। सो हमारी ये वीडियो पॉइंट्स में डिवाइडेड है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अपडेट बिफोर जैन 2022। सो आई थिंक जुलाई स्टार्टिंग में एक्स स्क्वाड अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ऑनलाइन आए थे। सो बहुतों ने उनसे क्वेश्चन पूछे, सो मैंने भी क्वेश्चन पूछा सर मेजर अपडेट तो जैन 2022 में आएगा बट 2022 आने में टाइम है, सो इस बीच न्यू फीचर्स एंड गेम ऑप्टिमाइजेशन होगा या सीधा 2022 में होगा जैसा आप फोटो में देख सकते हो ऊपर। सो उनका रिप्लाई आया, अरे नहीं, बीच में बहुत कुछ आएगा, आइसलैंड पूरा मेकओवर होगा। ये पक्का है कि 2022 मेजर अपडेट के आने से पहले बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं और हो सकता है कि इसमें आइसलैंड मैप भी मेकओवर होके आ जाए हमारे पास। सो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, व्हेन इज नेक्स्ट अपडेट कमिंग। सो अभी 13 तारीख को एक्स स्क्वाड अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में दोबारा ऑनलाइन आए थे। सो उसमें जब उनसे पूछा गया नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो उन्होंने ये बोला जैसे आप फोटो में देख सकते हो ऊपर, नेक्स्ट अपडेट की कोई डेट फाइनल नहीं हुई है लेकिन जैसे उन्होंने बताया था पहले कि 2022 अपडेट से पहले बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। सो ये फिक्स्ड है, ये उन्होंने बोल दिया है कि अपडेट्स आएंगे लेकिन अभी डेट कोई फिक्स नहीं किया उन्होंने। सो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है एनिमेशन से रिवाइव सिस्टम। सो एक्स स्क्वाड से जब ये पूछा गया कि एनिमेशन का क्या सीन है, कब आ रहा है, कुछ पता नहीं है, सो एक्स स्क्वाड ने ये बोला कि एनिमेशन पे जो प्रोग्रेस है वो चल रहा है, अभी काम कर रहे हैं वो। फिर जब उनसे ये पूछा गया रिवाइव सिस्टम के बारे में तो उन्होंने यही बोला कि रिवाइव सिस्टम एनिमेशन के साथ आएगा जिसके ऊपर भी पैरेलल काम चालू है जैसे कि आप फोटो में ऊपर देख सकते हो। सो मतलब ये है कि एनिमेशन और हमारा रिवाइव सिस्टम दोनों साथ में आएंगे। कब आएंगे अभी डेट कुछ नहीं पता, कब तक आएंगे ये भी नहीं पता, बट साथ में आएंगे इतना पता है। सो अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, फ्रेंड सिस्टम एंड आइसलैंड मैप 2.0। सो जब 13 तारीख को एक्स स्क्वाड से पूछा गया फ्रेंड सिस्टम और आइसलैंड मैप के बारे में तो उन्होंने ये बोला कि जैसे लॉबी और फ्रेंड सिस्टम इन प्रोग्रेस है, आइसलैंड 2.0 पूरा रीडिज़ाइन हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मेहम 2.0 भी आएगा बट अभी टाइम लगेगा जैसे कि आप फोटो में ऊपर देख सकते। सो वो फ्रेंड सिस्टम में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे आइसलैंड मैप 2.0 जो है उस पर भी काम चल रहा है। और उन्होंने ये भी बोल दिया जैसे आपने फोटो में देख लिया ऊपर कि मेहम 2.0 भी रीडिज़ाइन होगा दोबारा से लेकिन अभी उसमें टाइम है। सो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ जो कि है रैंक मोड। सो एक्स स्क्वाड से जब ये पूछा गया कि रैंक मोड कब आएगा, कब तक आ सकता है, तो उन्होंने ये बोला कि यस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारी पाइपलाइन में, रैंक मोड के बिना सेम स्किल सेट के प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो तो आएगा ही आएगा। सो ये कन्फर्म्ड है कि रैंक मोड आएगा और वो बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं और हो सकता है 2-3 महीने या 3 महीने के बाद हमें रैंक मोड भी देखने को मिल जाए अपडेट के द्वारा, और हो सकता है कि जनवरी मेजर अपडेट में ही आए, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, वो एक्स स्क्वाड के ऊपर ही है कि वो कब रैंक मोड में काम स्टार्ट करते हैं और कब ख़त्म करते हैं और कब हमें अपडेट देते हैं, बट रैंक मोड आएगा ही आएगा ये उन्होंने बोल दिया है। सो चलते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ जो कि है न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन। सो जब एक्स स्क्वाड से न्यू अपडेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिंपली ये बोला जैसे कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हो
देखो 100 क्वेश्चंस का एक आंसर दूं तो छोटी बड़ी सब चीज़ अपग्रेड या टोटली न्यू हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ों को तो अपग्रेड करेंगे और कुछ चीज़ों को टोटली न्यू डालेंगे उसमें गेम में। सो अब क्या न्यू आएगा और क्या अपग्रेड होगा वो तो जब अपडेट आएगा तब ये पता चलेगा, लेकिन अपडेट कब आएगा ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है कि जनवरी 2022 में ही आए और हो सकता है उससे पहले आ जाए, जैसे कि उन्होंने बोला कि छोटे छोटे अपडेट देंगे वो। सो अब देखते हैं कब तक ये नई चीज़ें और अपग्रेडिंग होती है गेम में। सो अब चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ जो कि है ऑफलाइन मोड। मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसी पॉइंट का इंतज़ार कर रहे होंगे, सो वो आ चुका है। सो जब एक्सक्वाड से ये पूछा गया कि ऑफलाइन मोड का क्या सीन है, आएगा भी कि नहीं आएगा, तो उन्होंने बोला ऑफलाइन का भी कुछ सॉल्यूशन जरूर लाएंगे, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन पाइपलाइन। रुको जरा, सबर करो। लेकिन 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 जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया ऑफलाइन मोड के बारे में कि कब तक आएगा, तो उन्होंने इस टाइम थोड़ा डिफरेंट जवाब दिया। उन्होंने बोला वर्किंग ऑन सम सॉल्यूशन फॉर ऑफलाइन प्लेयर्स, कांट से एनीथिंग एग्जैक्टली राइट नाउ, जैसे कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हो। सो इसका मतलब वो अवेयर हैं कि बहुत सारे बंदों को ऑफलाइन गेम वापस चाहिए एंड वो इस बारे में वर्क कर भी रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो सॉल्यूशंस लेके आते हैं ऑफलाइन मोड के लिए और कब तक ये सॉल्यूशन आता है हमारे पास और कब तक हमें ऑफलाइन मोड मिलता है और किस टाइप में मिलता है। इसी में वो ऐड करते हैं ऑफलाइन मोड को, बट अगर इसको ऐड कर देंगे इसमें तो गेम का साइज थोड़ा और बढ़ जाएगा, और या फिर दूसरा कोई गेम लेके आए वो स्कारफॉल ऑफलाइन करके। अब वो तो जब वो लेके आएंगे तभी पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।